समाज का प्रेरणा पाते, धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। धर्म जो है जोड़ने का काम करता है, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ता है और ग्रुप ग्रुप को जोड़ता है, समाज समाज को जोड़ता है और एक देश को दूसरे देशों से जोड़ता है। ये जो है धर्म की विशेषता है, ये धर्म की प्रॉपर्टी है, ये धर्म का लक्षण है। क्योंकि धर्म जो है सभी सद्गुणों से युक्त होता है, इसके अंदर अवगुण नहीं होते हैं। जिसमें अवगुण होते हैं उसको पापकारी प्रवृत्ति कहा जाता है और जिसमें सद्गुण होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति कहा जाता है। इसीलिए धर्म के तोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या है, संप्रदाय जो कि धर्म को जीने की एक व्यवस्था है, अलग अलग द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कि अलग अलग स्थान के लिए और अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जाति के लिए व्यवस्था करने के लिए, उसकी व्यवस्था पक्ष को संप्रदाय कहा है। लेकिन संप्रदाय को प्रमुखता दे करके, एकांतवादी होकर के कम्युनल जो है वो हारमोनी को बिगाड़ते हैं, कम्युनल राइट्स करवाते हैं, कम्युनल जो है भेदभाव पैदा करते हैं। तो इसीलिए वो जो है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो हमें धर्म है वह यह नहीं सिखाता है। और धर्म कभी भी डिवीजन टुकड़े की बात नहीं करता है। डिवीजन टुकड़ा लड़ाई झगड़ा होता है वह अहंकार से होता है, अहंकार अधर्म है। रावण की पराजय राम के हाथों क्यों हुई, जबकि वो तो बहुत बड़ा विद्वान था, वेदों का प्रकांड पंडित था, उसकी जो है हार होने का कारण उसका अहंकार था। तो अहंकार एक पाप है, अहंकार एक अशुद्धि है, अहंकार कषाय है। तो हमें धर्म को जीवन में स्थान देना चाहिए।